हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ट्यूटोरियल फ्रॉम कमल धारियाल। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम अपने इस चैनल पे मेडिकल से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स पे डिस्कस करते रहते हैं, तो आज का भी ये जो टॉपिक है ये मेडिकली बहुत इम्पोर्टेंट है। जितने भी लोग मेडिकल से रिलेटेड कोर्सेज कर रहे हैं, चाहे वो पैरामेडिकल स्टूडेंट्स हों या मेडिकल स्टूडेंट्स हों, MBBS कर रहे हों, या नर्सिंग से रिलेटेड कोर्सेज कर रहे हों, चाहे GNM या BSc नर्सिंग वगैरह, तो उन सब के लिए ये टॉपिक बहुत बेनिफिशियल है, बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और जो पैरामेडिकल कोर्सेज कर रहे हैं, लैब्स वगैरह में काम करते हैं, उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो ये टॉपिक है आपका माइकोबैक्टीरिया। तो आइए दोस्तों, इस पे डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, ये जो ग्रुप है बैक्टीरिया का, माइकोबैक्टीरिया, ये एक बहुत बड़ा ग्रुप है। तो इस बैक्टीरिया को हम अलग अलग पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। इस पार्ट में, इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे इसके इंट्रोडक्शन पे, कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ इसकी डिस्कस करेंगे, और इसकी थोड़ी सी हम हिस्ट्री देखेंगे, क्लासिफिकेशन, देन फिर जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कॉम्प्लेक्स के जो बैक्टीरिया हैं जितने भी, उनको हम आपको यहाँ पे बताएंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि माइकोबैक्टीरिया ये किस फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों, माइकोबैक्टीरिया ये माइकोबैक्टीरियसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो कि आपका ऑर्डर एक्टिनोमाइसिटेल्स में आते हैं। और ये जो फैमिली है माइकोबैक्टीरियसी, इसमें आपका एक ही जनरा आता है, जीनस, दैट इज माइकोबैक्टीरियम, माइको बैक्टीरियम, और जिसकी बहुत सारी स्पीसीज हैं। क्लियर? तो दोस्तों, अब प्रॉपर्टीज की बात करते हैं कि माइकोबैक्टीरियम जेनरा के जो बैक्टीरिया हैं, जितनी भी स्पीसीज हैं इसकी, उनमें जो कॉमन प्रॉपर्टीज हैं वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहली प्रॉपर्टी की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ये इस जेनरा के जितने भी बैक्टीरिया हैं, दे ऑल आर एसिड फास्ट। मीन्स इनमें क्या होती है, एसिड फास्टनेस होती है। अब इस एसिड फास्टनेस का क्या मतलब है उसको समझिए। इनको एसिड फास्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब इनकी स्टेनिंग की जाती है, इस बैक्टीरिया को जब आप स्टेन करेंगे, तो ये डीकलराइजेशन को रेसिस्ट करते हैं। मीन्स डीकलराइजेशन नहीं हो पाती इनकी, किससे, बाय डाइल्यूट मिनरल एसिड, जैसे आपके HCl है या H2SO4 है। इनकी हेल्प से जब आप इनको डीकलराइज करने की कोशिश करेंगे, तो ये डीकलराइज नहीं होते हैं और डीकलराइजेशन को रेसिस्ट करते हैं। दैट्स वाई दे आर नोन एज एसिड फास्ट बैक्टीरिया। क्लियर? अब ऐसा होता क्यों है दोस्तों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है, उस सेल वॉल में लिपिड का कंटेंट ज़्यादा होता है। लिपिड कंटेंट मीन्स माइकोलिक एसिड, माइकोलिक एसिड का अमाउंट ज़्यादा होता है। और दूसरी चीज़ कि इनकी इंटीग्रिटी, इनके सेल वॉल की जो इंटीग्रिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, राइट? तो माइकोलिक एसिड प्रेजेंट होने की वजह से ये डीकलराइजेशन को रेसिस्ट करते हैं, इसीलिए इनको हम बोलते हैं एसिड फास्ट बैक्टीरिया, और इस प्रॉपर्टी को बोलेंगे एसिड फास्टनेस। क्लियर? देन द सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कि जो ग्वाइनिन और साइटोसिन का कंटेंट है डीएनए में, वो कितना होता है, 61 to 71 mole% होता है सभी स्पेसीज में। एक एक्सेप्शन इसमें है दोस्तों, माइकोबैक्टीरियम लैप्री के केस में ये जो कंटेंट है ये 54 to 57 mole% होता है। ये एक एक्सेप्शन है। किसके केस में? माइकोबैक्टीरियम लैप्री के केस में ऐसा होता है। क्लियर? डीएनए का ये जो कंटेंट है ये इतना परसेंट। देन द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दे आर नॉन मोटाइल। ये नॉन मोटाइल होते हैं, इनमें कोई फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं होते हैं, राइट? नॉन स्पोर फॉर्मिंग,
स्पोर्स फॉर्मेशन नहीं होता, कैप्सूल प्रेजेंट नहीं होती, नॉन कैप्सुलेटेड कह सकते हैं आप, कर्व्ड होते हैं, रॉड हैं, राइट, बेसिलस बोलते हैं तो रॉड शेप्ड होते हैं, क्लियर, और कर्व्ड होते हैं, स्लाइटली कर्व्ड होते हैं, क्लियर। और एक और पॉइंट इसमें आप याद रखेंगे कि दे आर ऑब्लिगेट ऑब्लिगेट एरोब्स एरोब्स, या कुछ स्पीसीज आपकी माइक्रो एरोफिलिक भी होती है, माइक्रो एरोफिलिक, राइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज समटाइम्स दे शो ब्रांचिंग फिलामेंटस फॉर्म्स रिजेंबलिंग फंगल माइसेलियम, कभी कभी फंगस की तरह भी इसके जो फिलामेंटस फॉर्म है वो अपियर होती हैं, किसी किसी स्पीसीज में ऐसा देखने को मिलता है, क्लियर। तो ये बात हो गई हमारी प्रॉपर्टीज की। दोस्तों हिस्ट्री की अगर बात करें तो मेडिकली आपके दो बैक्टीरिया इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दो स्पेसीज माइकोबैक्टीरियम की, माइकोबैक्टीरियम लैप्री और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। आपको पता है कि माइकोबैक्टीरियम लैप्री लेप्रेसी कॉज करता है, और जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है वो ट्यूबरकुलोसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो दोस्तों जो लेप्रा बेसिलाई है, लेप्रा बेसिलस माइकोबैक्टीरियम लैप्री, उसको एक नॉर्वे के फिजिशियन थे आर्मर हैंसन, इन्होंने इसको डिस्कवर किया था इन 1874। इसीलिए इस बैक्टीरिया को हैंसन्स बेसिलाई भी बोला जाता है, हैंसन्स बेसिलाई भी बोला जाता है माइकोबैक्टीरियम लैप्री को। दूसरा पॉइंट कि रॉबर्ट कोच ने 1882 में आइसोलेट किया था माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को, जिसको हम ट्यूबरकल बेसिलस भी बोलते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, क्लियर। क्लासिफिकेशन की बात करें दोस्तों तो माइकोबैक्टीरिया को चार तरह से क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले कैटेगरी जो है वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कॉम्प्लेक्स, जो कि ट्यूबरकुलोसिस कॉज करते हैं। इसमें जितने भी बैक्टीरिया आपके आएंगे, जितने भी माइकोबैक्टीरियम की स्पीसीज होंगी, दे ऑल आर रिस्पॉन्सिबल टू कॉज ट्यूबरकुलोसिस, राइट। दूसरे हैं आपके माइकोबैक्टीरियम लेप्री, जो कि लेप्रोसी कॉज करते हैं ह्यूमन बींग्स में। और तीसरी जो कैटेगरी है उसमें नॉन ट्यूबरकुलस माइकोबैक्टीरिया आते हैं, जिसको फर्दर पिगमेंट प्रोडक्शन के बेस पे और ग्रोथ के बेस पे, यानी कि आप कह सकते हैं कि टाइम टेकन टू ग्रो, उसके बेस पे इसको कैटेगराइज किया गया है, जिसमें आपके फोटोक्रोमोजेंस हैं, स्कोटोक्रोमोजेंस हैं, नॉन फोटोक्रोमोजेंस हैं एंड रैपिड ग्रोअर्स हैं, क्लियर। तो ये ट्यूबरक्लोसिस कॉज नहीं करते हैं, ट्यूबरक्लोसिस के अलावा अदर इन्फेक्शंस ये कॉज कर सकते हैं ह्यूमन बींग्स में, राइट। एंड लास्ट कैटेगरी इज सेप्रोफिटिकस माइकोबैक्टीरिया, क्लियर। ऐसे माइकोबैक्टीरिया जो सॉइल में प्रेजेंट हो सकते हैं, या वाटर में प्रेजेंट हो सकते हैं, या अदर किसी एनवायरमेंटल सोर्सेज में प्रेजेंट हो सकते हैं। इसमें जैसे बहुत कॉमन है माइकोबैक्टीरियम स्मेगमेटिस, स्मेगमेटिस ये एक स्पेसीज है जो कि स्मेगमा में प्रेजेंट रहता है, स्मेगमा। दोस्तों इस स्मेगमा क्या है, ये आपका क्वेश्चन रहेगा कि स्मेगमा क्या है। दोस्तों आपने देखा होगा जनरली आपके जो जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं, जेनाइटेलिया आपकी होती, चाहे वो फीमेल्स में हो या मेल्स में हो, तो उसके अराउंड कुछ वाइट वाइट सा पार्ट जमा रहता है, वो लेयर, वाइट सी लेयर वहाँ पे बन जाती है। तो आप जब उसको देखते हैं तो उससे एक गंदी सी स्मेल भी आती है, एक अजीब सी स्मेल आती है, अनप्लीजेंट स्मेल उससे आती है, तो उसको बोलते हैं स्मेगमा, वाइट लेयर होती है, क्लियर। तो ये जो बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम स्मेगमेटिस, ये नॉर्मली उस स्मेगमा में प्रेजेंट रहता है, जो कि यूरिन का एक कॉमन कंटामिनेंट बन जाता है।
क्लियर। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कॉम्प्लेक्स के कुछ बैक्टीरिया यहाँ पे लिखे हुए हैं, उनको हम बताएंगे आपको। तो दोस्तों, इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कॉम्प्लेक्स के जितने भी बैक्टीरिया हैं वो सारे ट्यूबरकुलोसिस कॉजिंग बैक्टीरिया हैं। ट्यूबरकुलोसिस एक बहुत पुरानी ये बीमारी है मैनकाइंड में, जो कि जिसकी वजह से बहुत सारी डेथ होते रहती हैं पूरे वर्ल्ड में। क्लियर। तो ये यूजुअली ये लंग्स को इफेक्ट करता है, जिसे हम पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं। और भी बहुत तरह के ट्यूबरकुलोसिस होते हैं, जैसे सीएनएस ट्यूबरकुलोसिस है, या बोन ट्यूबरकुलोसिस है, या यूरोजेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस है। तो बहुत तरह के ट्यूबरकुलोसिस होते हैं, जिनमें से जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपका पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस होता है। क्लियर। जिसकी वजह से बहुत सारी डेथ होते रहती हैं वर्ल्ड वाइड। क्लियर। तो इसमें सबसे पहला जो बैक्टीरिया है, दैट इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, विच इज ऑल्सो नोन एज ह्यूमन ट्यूबरकल बेसिलस। क्लियर। ये ह्यूमन बींग्स में बहुत कॉमन कॉज है। किसके लिए? कॉजेटिव एजेंट है किसके लिए? ट्यूबरकुलोसिस के लिए। देन नेक्स्ट वन इज माइकोबैक्टीरियम बोविस, विच इज बोवाइन ट्यूबरकल बेसिलस। ये कैटल्स में प्रेजेंट रहता है और इसका इन्फेक्शन ह्यूमन बींग्स में भी देखने को मिलता है। देन माइकोबैक्टीरियम कैप्री, इट इज क्लोजली रिलेटेड टू माइकोबैक्टीरियम बोविस। देन माइकोबैक्टीरियम एफ्रिकेनम, इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम अ फ्यू वेस्ट अफ्रीकन केसेस, राइट। देन माइकोबैक्टीरियम माइक्रोटी, ये जो है इसको हम वोल बेसिलस भी बोलते हैं। वोल मीन्स एक एक एनिमल होता है, आप उसको बोल सकते हैं रोडेंट। क्लियर। वो एक चूहे की तरह का ही होता है। क्लियर। उसको वोल बोलते हैं। क्लियर। तो ये उसी एनिमल में से आइसोलेट किया गया था, इसलिए इसको वोल बेसिलस बोलते हैं। ये रेयरली इसका इन्फेक्शन ह्यूमन बींग में देखने को मिला है। और दूसरी बात इसके लिए ये है कि ये लेस विरुलेंट है। क्लियर। देन माइकोबैक्टीरियम पिनिपेडियाई, माइकोबैक्टीरियम पिनिपेडियाई इसीलिए इसको बोला जाता है क्योंकि ये पिनिपेट से आइसोलेट किया गया था, जिसको हम सील्स भी बोलते हैं। ये एक तरह का जानवर है, ठीक है, कार्निवोर जानवर है, एनिमल है, राइट। तो इसीलिए इसी के नाम से इसको माइकोबैक्टीरियम पिनिपेडी भी बोलते हैं। रिसेंटली एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था, जिसपे ये मैंने देखा कि ये आजकल रिसेंटली इसको ह्यूमन बीइंग से भी आइसोलेट किया गया है, क्योंकि इसका इन्फेक्शन ह्यूमन बीइंग में भी हो रहा है। एक आर्टिकल में मैंने पढ़ा था, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ इस बात को, राइट। देन लास्ट वन इज माइकोबैक्टीरियम कैनेटी, ये भी बहुत रेयर है। क्लियर। और इसको आइसोलेट किया गया था ईस्ट अफ्रीकन से। क्लियर। ईस्ट अफ्रीकन केसेस से इसको आइसोलेट किया गया था। तो दोस्तों, ये सेवन माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कॉम्प्लेक्स के बैक्टीरिया हैं जो आपको पता होने चाहिए। इनमें से अमंग ऑल ऑल दीज, क्लियर, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ट्यूबरकुलोसिस इन मैन। क्लियर। तो सब्सिक्वेंट वीडियोज में हम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस पर ही डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपके समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। कमेंट भी कर सकते हैं आप, राइट। और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।